नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेखा बुटीक बुटीक की चैनल पर। दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो में दिखाया था कि अब हम बोट नेक की कटाई किस तरह से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, तो उसी वीडियो का हमने पार्ट सेकंड बनाया है। बोट नेक की जो कटाई हमने की थी फ्रेंड्स, तो उसी की हम सिलाई करेंगे। हम किस तरह से बोट नेक का सिलाई का पार्ट सिलाई आसानी से कर सकते हैं, तो इस पार्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो बोट नेक की सिलाई सीखने के लिए पूरा वीडियो देखें फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने सामने के पार्ट का बोट नेक कटाई किया हुआ है, तो इसके सिलाने के लिए मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हम जो हमारा नेक कटा हुआ है, तो उसी मेजरमेंट लेके हम उस तरह से चौरस कपड़ा ले लेंगे फ्रेंड्स। तो इस पर हम कढ़ाएंगे करेंगे बोट नेक की गले की सिलाई, ठीक है। इस तरह से हम कपड़ा काट लेंगे। अब इस पर हम रखेंगे हमारा पार्ट बोट नेक का जो कटाई किया हुआ है, इस तरह से सेंटर में रखेंगे कपड़ा। इस तरह से हाथों से बराबर प्रेस करते हुए हम इसे करेंगे स्टिचिंग, ठीक है, इस शेप में। बहुत आसान है फ्रेंड्स सिलाना, तो आप बहुत ही खूबसूरती से और आसानी से सिला सकते हैं, और पहनने भी बहुत आसान लगता है, सुंदर लगता है ये बोट नेक। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है काट लेंगे। यहाँ बीच में से लगाएंगे, इस तरह से हम कट लगाएंगे बीच में से गले के लिए। इससे क्या होता है, जब हम आकार निकालते हैं तो बहुत ही सुंदर हमारा आकार आता है तरह से। अब इस जो कपड़ा हमने लिया था नीचे नेक लगा नेक की पट्टी लेने के लिए, तो इसे हम राउंड शेप में काट लेंगे, ठीक है, इस तरह से गले की राउंड शेप में हम इसे काट लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने काट लिया है। अब इसे लगाएंगे हम सिलाई, ताकि बारीक यानी जो धागे होते हैं कपड़े के वो निकले नहीं। इस तरह से राउंड शेप में हम बोट नेक की सिलाई कैनवस लगा के या फिर बकरम लगा के भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको बकरम लगा के करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप इस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो जब आप सिलाएंगे ब्लाउज तो बहुत बहुत बढ़िया फिटिंग आती है इसकी। आप देख सकते हैं मैं सिलाई लगा ली है पीछे। अब यहाँ लगाएंगे हम प्रेस मशीन सामने की तरफ से। इस तरह से लगाएंगे प्रेस मशीन, आकार का उभार बहुत अच्छा आता है, देख सकते हैं आप।
कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भेज सकते हैं फ्रेंड, ताकि मुझे भी कोई नया आइडिया मिले आपको कुछ नया बताने के लिए। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। देख सकते हैं आप, नमस्कार दोस्तों। तो इस तरह से हम लगाएंगे इसे सिलाई, इस तरह से ये जो पट्टी हमने काट ली थी तो इसे लगाएंगे हम इस तरह से सिलाई। राउंड शेप में हम बोटनेक की सिलाई कैनवास लगा के या फिर बकरम लगा के भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको बकरम लगा के करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर हम इस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो जब आप सिलाएंगे ब्लाउज तो बहुत बहुत बढ़िया फिटिंग आती है इसकी। आप देख सकते हैं मैं सिलाई लगा ली है पीछे, अब यहाँ लगाएंगे हम प्रेस मशीन सामने की तरफ से। इस तरह से लगाएंगे प्रेस मशीन, आकार का उभार बहुत अच्छा आता है, देख सकते हैं आप। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भेज सकते हैं फ्रेंड, ताकि मुझे भी कोई नया आइडिया मिले आपको कुछ नया बताने के लिए। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। देख सकते हैं आप, नमस्कार दोस्तों।